हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आप मैं और जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसने कभी ना कभी लाइफ में ऑनलाइन शॉपिंग तो जरूर की होगी। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। आज हम यहां पर बात करने वाले हैं ऑनलाइन शॉपिंग में होने वाले फ्रॉड की। मैं आपको हर एक चीज दिखाऊंगा कि मैंने कैसे ऑर्डर किया और कैसे वो मुझ तक पहुंचा और मैंने कैसे उसे रिजेक्ट किया। जब भी हमें कोई चीज़ ढूंढनी होती है तो सबसे पहले हम ऑनलाइन जाकर चेक करते हैं। अब हमारे पास जो अवेलेबल साइट्स हैं जैसे कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, बहुत सारी वेबसाइट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन साइट्स के ऊपर आपके साथ बहुत ही आसानी से फ्रॉड हो सकता है? इस फ्रॉड से बचने के लिए आप क्या करेंगे, मैं आज आपके साथ अपना एक ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अपने आप को फ्रॉड में फंसने से कैसे बचाया। मैं आपको दिखाने वाला हूं एक ऑर्डर जो कि एक हार्ड डिस्क का ऑर्डर था फॉर 3 TB। अब वो मैंने किया था अमेजोन के थ्रू और वो भी किस लिए, क्योंकि उसका प्राइस मुझे दिखा रहा था 2999 रुपये। अब आप भी सोचिए, आप भी लालच में आ जाएंगे अगर कोई आपको 3 TB का हार्ड डिस्क दे 2999 रुपये में, तो आप क्यों नहीं लेंगे। मुझे भी लालच आ गया और मैं भी उस ट्रैप में फंसा, तो मैंने भी उसको ऑर्डर किया। लेकिन अगले ही दिन अमेज़न से मुझे मैसेज आया कि आपका ऑर्डर कैंसिल हो गया है। जैसे ही 2 दिन और बीते मुझे एक मैसेज आया कि आपका शिपमेंट हो चुका है। अब देखिए, यहाँ पे जो सेलर है उसने क्या गेम खेला, उसने डाला एक ऐसी चीज को, एक लुक्रेटिव चीज को, किसी भी कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए उसने एक ऐसी चीज डाली कि कोई भी कस्टमर आएगा और फटाफट से परचेज के लिए ट्राई करेगा, को लगेगा कहीं स्टॉक ना खत्म हो जाए। ऐसे ही मैंने ट्राई किया और मैंने सोचा कि मैं भी ट्राई करता हूँ, शायद मुझे भी 2999 रुपये में एक 3 TB की हार्ड डिस्क मिल जाए, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन डील थी। बट 2 दिन बाद ही मुझे मैसेज आया कि आपका शिपमेंट हो गया, लेकिन इस टाइम वो मैसेज अमेज़न से नहीं था। सेलर ने मेरी इंफॉर्मेशन लेकर किसी और को दे दी, एक फ्रॉडेंट कंपनी को दे दी। उस फ्रॉडेंट कंपनी ने क्या करा, मेरे नाम से एक शिपमेंट बनाया जो लुक वाइज बिल्कुल अमेज़न के जैसा दिखता था। और 3 दिन बाद ही उस बंदे का मेरे पास फोन आया, मुझसे डिमांड करने लगे 2999 रुपये। फिर मैंने सोचा मैं क्यों ना पहले एक बार जाकर अमेज़न से बात करूं। फिर मैंने अमेज़न को कॉल लगाया उनके कस्टमर सेंटर में और मैंने पूछा कि मैंने जो ऑर्डर किया था वो आपने कैंसिल कर दिया, अब आप मुझे बताएं कि क्या मुझे ये ऑर्डर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो अमेज़न ने बोला कि नहीं, ये आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। अमेज़न का कोई मैकेनिज्म नहीं है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक हो रही है। पहली बात ये, अगर अमेज़न ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया है तो प्लीज डोंट एंटरटेन एनी ऑफ द मैसेज विच यू आर रिसीविंग फ्रॉम एनी अदर पार्टी। दैट्स द फर्स्ट स्टेप टू प्रिवेंट फ्रॉड इन केस ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग। ये ही सबसे पहला कदम रहेगा आपका एक फ्रॉड से बचने के लिए, जब आप मना कर देंगे एक ऐसे थर्ड पार्टी को जिसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ उसके पास आपकी इन्फॉर्मेशन पहुंच गई है। सो प्लीज इस चीज को ध्यान में रखें। अगर आप बचना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्ट करें जब वो अमेज़न के थ्रू आया है, आपके पास उसका वेरिफिकेशन है, आपके पास उसका मैसेज है, और कंपनी का नाम भी चेक करें जिसके थ्रू आपके पास मैसेज आ रहा है। जैसे कि मेरे पास जो मैसेज आया था वो आया था OLM Mart करके कुछ कंपनी थी जिसने कि ये कैप्चर करी मेरी इन्फॉर्मेशन से, उन्होंने एक फ्रॉडेंट ऑर्डर तैयार किया और मुझे भेजा मुझे ट्रैप करने के लिए। जब डिलीवरी बॉय ने फ़ोन किया और बोल रहा था कि प्लीज़ सर पैसे कैश लेकर आएँ, मैं कार्ड से एक्सेप्ट नहीं करूँगा। पहली बात यहाँ पे ये है कि कार्ड से अमेज़न या फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियाँ एक्सेप्ट करती हैं। जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ जिस पर्टिकुलर साइट के ऊपर हैं उसी पर्टिकुलर साइट के मैसेज को एंटरटेन करें, उसको कंटिन्यूसली देखें कि क्या क्या मैसेज वो कर रहे हैं। वो मैसेज कर रहे हैं कि आपका प्रोडक्ट निकल चुका है, वो देखें कि वो मैसेज अमेज़न से आ रहा है या किसी थर्ड पार्टी से आ रहा है। अगर किसी थर्ड पार्टी से आ रहा है तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज डू नॉट एंटरटेन एनी ऑफ सच मैसेजेस, बिकॉज दैट कैन ट्रैप यू एंड द मनी विल बी लॉस्ट।
and you will not be able to get back that money. And in terms of money, whatever you have paid, आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ मिलेगा तो क्या एक खाली डब्बा या उसके अंदर ईंट पत्थर रोड़े कुछ भी वो भर कर दे सकते हैं। प्लीज बीवेयर व्हेन यू आर डूइंग ऑनलाइन शॉपिंग, बिकॉज जो आपका खून पसीने से कमाया हुआ पैसा है वो वेस्ट नहीं जाना चाहिए। ये अभी तक नई तरीके का फ्रॉड इन्होंने निकाला है, हमें बड़े ध्यान से नोटिस करना पड़ेगा और शॉपिंग करते वक्त हमें बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कैसे इसे बच सकते हैं, कैसे आप कंप्लेन कर सकते हैं अमेज़न को, फ्लिपकार्ट को, स्नैपडील को, कि बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन ई कॉमर्स साइट्स हैं जिनके ऊपर जाकर आप शॉपिंग करते हैं। डरिए नहीं इन सब चीज़ों से, बेझिझक शॉपिंग कीजिए, बस थोड़ा सा अपना दिमाग कान खुले रखिए, क्योंकि आपको पता नहीं आप किस टाइम इस तरीके के ट्रैप में फंस सकते हैं। हैप्पी शॉपिंग एंड अपना ध्यान रखिए, और आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको मिलूंगा और एक नए टॉपिक के साथ आपके पास आऊंगा। तब तक के लिए शुभ बाय।